जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें, आज तक सुख पाने का सतत प्रयास जाने में अनजाने में हमने किया है, पर क्या हम सुखी हो गए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने पर भी, आजीवन सुख की चाह पोषित रखकर भी, आज वर्षों वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके हैं। ऐसा क्यों? सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको यह स्पष्ट दिखेगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे लिए लक्ष्य बने ही नहीं। हमारी कल्पना से प्रसूत जो सुख की वृत्ति है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं, पर उनका एक चिन्मय विलास अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अमुक स्वजन को क्या चाहिए। उनके निर्णय में कभी भ्रम का समावेश हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं और तुरंत ही उसकी इच्छित वस्तु उसे देने का संकल्प हमारे मन में जगता है और व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत अपरिसीम निराविल प्यार का प्रतिबिंब ही आता है। जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है, प्यार का स्वरूप ही होता है। सर्वथा सर्वांश में जिसको प्यार करें, उसको सर्वथा सर्वांश में सुखी करने का प्रयास करें, सुखी करता रहे। श्री कृष्ण के स्वरूप में यह प्यार अनंत अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। उसी का प्रतिबिंब हमारे मन में जागृत होता है और हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, किंतु एक वस्तु की चाह पूरी होते ही बच्चा दूसरी वस्तु की चाह करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिसे वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, जिस वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, उसमें पूर्ण सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई। तुरंत ही उसके मन में, अज्ञात मन में, नवीन सुख की अभिलाषा जगी और उसके अनुसार उसकी मांग फिर हुई, अर्थात एक नई सुख की अभिलाषा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति और फिर नई सुख की अभिलाषा, उसकी मांग और पूर्ति, यह क्रम चलता रहा है। श्री कृष्ण के प्रति भी हमारा संबंध ठीक इसी प्रकार बना हुआ है। सुख की अभिलाषा, उनसे मांग, फिर उनके द्वारा उसकी पूर्ति। श्री कृष्ण लक्ष्य ही नहीं बन सके अभी तक हमारा, अभी तक हमारा लक्ष्य ही नहीं बन सके। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, कोई कहे कि मैं तो वर्षों से साधना कर रहा हूँ, मुझे फिर जीवन में ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? मुझे फिर ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता भगवान का? इसका उत्तर यह है कि आपके द्वारा तोते की रटंत विद्या की साधना हो रही है, किंतु आप घबराइए मत, तर्क मत कीजिए, इस रटंत विद्या की ही साधना करते चले जाइए, लकीर ही पीटते चले जाइए। एक न एक दिन यह रटंत विद्या की साधना भी, परमार्थ की लकीर पीटने की साधना भी सच्ची होकर रहेगी। सर्वथा सर्वांश में और आपको भगवान से मिलाकर ही छोड़ेगी। हाँ, यदि हम यह नियम ले लें कि विश्व रूप भगवान को, अपने प्रभु को, अपने आप को ही बिल्कुल नहीं ठगेंगे, उनकी वंचना नहीं करेंगे, तो यह पूर्ण निश्चित है कि हम अत्यधिक शीघ्रता से कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव।